गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है क्योंकि मुझे हो गया जुखाम। जुखाम खांसी ने मेरी आवाज़ दिया बदल, तो आपको लग रहा होगा लेकिन मैं दवाइयाँ नहीं ले रहा हूँ टाइम से, तो ये ठीक नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं ले रहा हूँ मैं टाइम से दवाइयाँ? और मैंने सबको झूठ बोल दिया है कि हाँ मैं दवाई ले रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं गाइस दवाई ले रहा हूँ टाइम से और जल्दी ही ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी मैं हम जो आपको आगे के ब्लॉग में दिखाने वाले हैं गाइस, क्या था उसमें कि हमारे मामा जी की लड़की की शादी थी, वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी था और हमने वहाँ पे कुछ क्लिप्स ली थी, तो वो आज आप सबके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी मैडम, मुझे तो वो शादी वाला ब्लॉग तो वैसे तो बढ़िया है, पर मुझे अच्छा लगा तुम मुझसे मिलने आए हो, मुझे सरप्राइज कैसे दे दिया आज तुमने। हाँ तो वो आज मुझे ये फोन ऐसे सामने रखो कि अभी ना मैं अपने कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें कुछ कमेंट ये थे कि मुझसे लोग ये पूछ रहे थे कि तुम मतलब तो पढ़ाई में क्या कर रही हो, तो मेरी बीएड कंप्लीट हो चुकी है, एमएड में कर रही हूँ, मेरे 22 से एमएड के एग्जाम्स हैं और यार कुछ भी याद नहीं हो रहा इनको कुछ याद नहीं हो रहा है ना, मेरा भी मन नहीं लग पा रहा है पढ़ाई में क्योंकि गैप हो गया ना बीच में, और कोशिश कर रही हूँ इस बार मेरे हाथ में दो परिवारों की इज्जत है ना जिसे मुझे बचाना है, बच जाएगी, मैं इतनी भी लद्दड़ नहीं हूँ पढ़ने में, बस धीरे धीरे हो पाएगा। और दोस्तों इस बार हमने भी टारगेट लिया है, मतलब हमारी कंपनी ने, कि हम कम से कम 2000 घरों पे सोलर लगाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर अंदर, और पीएम की योजना को और आगे बढ़ाएंगे। आई थिंक पीएम सर भी हमें अच्छे से बधाई देंगे जब हम लोग इतने अच्छे नंबर्स कर पाएंगे। तो आप सब लोग भी, हम लोग एक वेबसाइट डेवलप करा रहे हैं जिसमें एफिलिएट मार्केट का हम आपको ऑप्शन देंगे कि आपको जाना है वहाँ, अपना नाम नंबर डिटेल्स अकाउंट नंबर ये सब चीज़ें फिल करनी है, और उसके बाद आप उस लिंक को कहीं भी शेयर करेंगे और उससे कहीं भी हमारी इंक्वायरी जनरेट होती है और वो इंक्वायरी कन्वर्ट होती है, तो आपको जो उस मतलब बहुत ही अच्छे अमाउंट में आपको पे आउट मिलने वाला है आप सब लोगों को, जैसे ही वो लीड कन्वर्ट होती है और वो हमारे से इंस्टॉल कराते हैं, हम आपको एक अच्छा पे आउट देंगे। तो पहले रूबी करेगी गिफ्ट अनबॉक्सिंग और उसके बाद आपको शादी की टूर पे लेके चलते हैं बस। यार वहाँ पे हमने मस्ती तो बहुत की, सब मेरे को मिल रहे थे, मतलब मैं तो पहली बार ही मिली थी इनके मामी मामा की फैमिली से, सब मुझे इनसे ज्यादा प्यार कर रहे थे और मेरी इतनी तारीफ हुई है, इतनी तारीफ हुई है, बस एक चीज की कमी थी कि मैं वहाँ डांस नहीं कर पाई, एक तो थोड़ा मौसम खराब था और फिर हमें आना था, हाँ कॉपीराइट का इशू था और दूसरा हमें थोड़ा जल्दी आना था क्योंकि दीदी भी घर पे अकेली थी है ना, लड्डू को ले आए थे और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो माँ ने साफ साफ मना कर दिया था कि डांस नहीं करोगे, तो मैंने खुद को कैसे ही रोका है ये बस मेरा दिल ही जानता है, पर वैसे हमने खूब मस्ती की, मैं पूरा व्लॉग आपको दिखाऊंगी, लोग मुझे वहाँ कितना प्यार कर रहे थे, आपसे भी ज्यादा है ना, मुझसे ज्यादा, तुम्हें जलन हो रही थी? नहीं नहीं हो रही थी, मुझे तो होती है। तो गाइस अब है गिफ्ट अनबॉक्सिंग की बारी, मैंने बहुत सब्र रखा है इसे खोलने के लिए और देखते हैं इसमें क्या है। One year later. तो इसमें है बहुत ही प्यारे कान्हा जी, देखो बहुत सुंदर है, थैंक यू जीवांशी वंस अगेन, थैंक यू आंटी, क्योंकि आंटी ने मेरे को भेजा है गिफ्ट, जीवांशी की मम्मी ने, और जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी, मुझे यार बहुत बुलाती है, मैं उसके घर जा नहीं पाती, अब जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आंटी से और सबसे जाके मिलूंगी, थैंक यू बहुत प्यारे। देख सकते हैं आप, लड्डू हो चुके हैं तैयार क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक शादी में, शादी क्या, हमारे बिल्कुल घर की शादी है, मामा जी की लड़की की शादी है, तो आप देख सकते हैं मम्मी रेडी हो चुकी हैं। एक्चुअली में क्या है कि मम्मी को रेडी करने के लिए तो आज हमारी रूबी, आप सबकी रूबी, इन्होंने कर दिया है और ये खनक है, देखो कितना सारा बस तैयार होने में इन्होंने इतना सब फैलाया है ना, पूछो मत। अरे कैसा लग रहा है, पहली शादी अटेंड करने जा रहे हो? पहली क्या, पहले अपनी भी तो की एक्चुअली में गाइस मैं आपको बता दूं, जहाँ पे शादी है वहाँ उन्होंने खेत में टेंट लगवाया था,
और बहुत बड़ा बढ़िया टेंट लगवाया था, लेकिन अभी मेरे सुनने में आया है कि वहाँ खेत में बारिश की वजह से पानी घुटवन हो चुके हैं। अब जब घुटवन पानी हो चुके हैं तो उन्होंने लोकेशन चेंज कर दी है, तो अभी जो शादी हो रही है वो हो रही है योगी फार्म हाउस। चप्पल कितनी दुल्हन वाली लग रही है। तो यार अभी तो आप दुल्हन ही हो, 2 महीने पुरानी। बात तो सही है, 2 साल पुरानी तो नहीं हो ना। 2 महीने पुरानी दुल्हन हूँ, आज सही 2 महीने हो गए मेरी शादी को। हाँ गाइस, आज पहली शादी घर की है श्वेता के आने के बाद में। तो सही दो महीने बाद आज 4 तारीख ने मुझे विश भी नहीं किया है। ओह शिट, नॉट गुड। हैप्पी 2 मंथ एनिवर्सरी। एक्चुअली क्या, मैं तो 1 साल पे करता हूँ दोस्तों। आए हुए थे बारात में, मैं बहुत देर से रूबी को ढूंढ रहा हूँ, रूबी मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है, शायद वो मम्मी पापा के साथ में कहीं पे परिवार में बैठी है, मुझे पता लगा है कि वो यहाँ बैठी है, मैं देखता हूँ जाके कि यहाँ कौन है। अरे तो दीदी है हमारी, तैयार हो रही है, अभी तुम पहुँची नहीं हो वहाँ, पहुँच गए जाने वाले। ये हमारी नीतू दीदी है। हाँ कौन, देखो मेरा आइडिया बिल्कुल सही निकला था, बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें, कहाँ थे तुम सब लोग, सीधे आ गए थे लेडीज पार्टी। देखो ये हमारी मामी घर आई, आपने देखा होगा पहले भी ब्लॉग में थी। पहले उसे दिखाओ, यहाँ पे सिर्फ तुम दो ही लड़के हो। हमारी नानी, मम्मी और ये दीदी, औरतों के बीच में आके और तो नहीं है, मेरा परिवार है। फिर भी हमारी कुछ पर्सनल टॉक भी हो सकती है। पर्सनल टॉक अभी से पहली मीटिंग में है मामी, पर्सनल टॉक चल रही थी। नहीं नहीं हाँ चल रही थी, हाँ चल रही थी। और दीदी बढ़िया, तो पहली बार आपको रूबी से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये मैंने पहली ससुराल देखे जहाँ मुझसे कोई पैर नहीं छुड़वाता। सपोर्ट के लिए हमारे बड़े भाई भी आ चुके हैं यहाँ पे, तो बॉयज पार्टी से एक और वोट बढ़ती हुई, दूसरी वोट बढ़ती हुई, डांस कर रही कौन है ये नहीं है, मतलब कहने की बात ये है कि एक ये बच्चा भी, मतलब अब बॉयज भी 4 हो गए यहाँ पे। उन्हें पता नहीं था वैसे वो काम से। मैं ये गद्दा बिछा दो, गद्दा कहाँ बिछा दो, अरे यहाँ बिछा दो यार, सब लोग ले लेते हैं। मतलब देखो लड़की का भाई कितना व्यस्त रहता है, आपको देख के पता लग रहा होगा। हाँ रूही क्या कहती हो, कैसे लग रहा है तुम्हें यहाँ के? अभी तो इधर आते हो, ब्यूटी क्वीन नंबर 1 2 3 4 सो गया क्या? बचपन में हम लोग खाते थे, मैं ले लूं। क्या लोगी? बुढ़िया के बाल। ये बुढ़िया के बाल, और ये ब्यूटी क्वीन नंबर 4 भैया, बुढ़िया के बाल दे दिए भैया। ये देखो रूबी बना रही है उंगली पे बुढ़िया के बाल। नहीं तो जूड़ा बना रही है। क्या बना रही है? जूड़ा। ये कह रहे हैं गुड़िया के बाल, दाढ़ी बना दी, जूड़ा बना रही है। इसका नाम ही गुड़िया के बाल है ना, इसका नाम गुड़िया के बाल। अच्छा बुढ़िया के बाल है, सब लगे हैं। चलो अब किसका नंबर है, मेरा तो हो गया। अब देखो आगे लाइन लगी हुई है, इतनी तगड़ी बच्चा पार्टी लगी है ना रूबी के पास में, देखो ये सब लाइन से लग रहे हैं। पहले तो तुम्हारे पास ही थे, हाँ तो क्लिक कराने, अभी वो फोटो क्लिक कराने के बाद में सब अपनी मस्ती कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके। हमारी मामी तुम क्या देख रही हो, ऊपर को देख, खड़े खड़े मैं देख रही हूँ ये कैसे बना रहे हैं वीडियो। तुम्हें भी सीखना है क्या? हाँ मुझे भी सीखना है, मुझे आपकी पार्टी में रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कब आ रही हो हमारी पार्टी में? हमें तो गाजियाबाद आना पड़ेगा। हम ही जाते हैं, आप नहीं आते हो? ये एक बार भी नहीं आई है ना, चलो तो, तो चलो ना, तुम हम कब मना करते हैं? पता है जाएंगे नहीं शादी घर में, तो आवाज नहीं आ रही हमें। अब तो आपको पता है ना हम जाएंगे नहीं शादी हमारे घर में, शादी करने के बाद आ जाना ना, पक्का सब लोग आ रहे हो? बिल्कुल, मूवी देखने चलेंगे साथ में। ओके चाय आप बनाओगे? चाय में बनाऊंगा, ओके डन। सब हम लोग आ चुके हैं ब्राइड के पास, बहुत ही मेहनत के बाद ही हमें मिली, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं और नजर ना लगे सीरियसली। और ये सब इनकी रखवाली के लिए, हाँ रखवाली के लिए ना, ये मन लगाने के लिए,
अभी तो थोड़ी देर खाली करनी पड़ेगी, उसके बाद आ जाएंगे। बहुत सुंदर लग रही है आज तो, एकदम गुड़िया सी लग रही है वास्तव में, मेरे जैसी। तुम भी सुंदर लग रही है, मुझे पता है मुझसे भी सुंदर लग रही है। और अभी कैसा, बढ़िया बुल्ले को बना किया? हाँ वो लिपस्टिक मेकअप खराब हो जाता है ना इसलिए, पर मैं शांत नहीं हुई थी। बहुत बुरा था मैं शांत नहीं हो सकती। तो देखा है सबने, तुम्हें तो देखा है, बिडल को ठीक से देखो तो तुम क्या कंपैरिजन कराओगे? हाँ। चलो दोनों ही शर्मा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं मैं नहीं, पर आप कह रहे हो मुझे नहीं आएगी शर्म। गाइस यहाँ पे भी लेडीज पार्टी, और मैं पहले निकल गई थी। दीदी आपको दीदी बोलूँ ना मैं? भाभी भाभी लगे भाभी। अच्छा दीदी बोलेंगे, दीदी ना। तो मैंने इन्हें इग्नोर तो नहीं किया था, पर इन्होंने मुझसे कहा था कि हमारे साथ भी क्लिप ले लो। मैं दुल्हन से मिलने चली गई, सॉरी, पर आप बहुत क्यूट लग रहे हो। थैंक यू, सच में बहुत सुंदर लग रहे हो। और ये मामी है। अच्छा नमस्ते मम्मी, और बाकी यहाँ सब बारात का वेट करते हुए। लेकिन किसी का सोचा है महात्मा? नहीं वैसे उनका नाम प्रियंका ही है, पर प्यार में लेकिन महात्मा कहते हैं। गांधी गांधी कहते हैं, महात्मा तो आगे लगाया है मैंने। महात्मा गांधी भैया का नाम है, गांधी राहुल गांधी नहीं है। अच्छा हमारी एक भाभी है वो सबका नाम मिलाती है, तो प्रियंका से हमने सोच में गांधी कर दिया। अच्छा ये सीन है गांधी का है, तो प्रियंका गांधी हो आप पूरा। को मिलवाता हूँ अपने घर की दोनों पढ़ाकू बहनों से। ये हमारी घर की सबसे पढ़ाकू बहन है, मतलब जैसा रूबी है ना पढ़ाकू ऐसे ही है। और ये आपने गलत इंट्रोड्यूस करवाया, नहीं है पढ़ाकू? नहीं नहीं है, पर आपने तो ऐसे इंट्रोड्यूस करा दिया। मैं ये सच में बहुत पढ़ाकू है, अभी इन्होंने बीएससी कर रही है। और आप क्या कर रहे हो? मैं अभी टेंथ में हूँ। ये भी टेंथ में है? तेरा तो अभी रिजल्ट बाकी है ना, वो बताएगा पढ़ाकू है नहीं, इसका तो आ गया। ये हमारी सबसे ब्यूटी क्वीन मामी, डांसर भी है। तो मैंने डांस देखा नहीं मामी का। हमारी दूसरी वाली मामी कहाँ गई? घर गई है। मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, मेरे साथ करती है। ये देखो ये क्यूट बॉय है और ये क्यूट गर्ल, जा जाओ। और ये हमारी रूबी, हमारी रूबी सबकी। देखो कितना भीड़ है, एकदम मजा आ रहा है। तो गाइज आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और आज जितनी भी हमने मस्ती की थी वो सब आपको देखने को मिल ही गई है। और आप यार ऐसे ही प्यार देते रहे, बीच में गैप हो गया है, और अब मतलब कंटिन्यू तो नहीं, रोज़ तो नहीं दे पाऊंगी व्लॉग, पर दूंगी। पर आप अपना प्यार हमारे लिए ऐसे ही बनाए रखें, लाइक करें, कॉमेंट्स करें, शेयर करें। यार शेयर करो, पता नहीं क्या हो गया आप सभी को, आपका प्यार जब तक मुझे नहीं मिलता तो मेरी एनर्जी जो लेवल है बिल्कुल डाउन हो जाता है, और वो हो रहा है। तो प्लीज़ आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। बाय, गुड नाइट।